मुझे पता था कुछ ना कुछ खिचड़ी पकड़ी है मेहंदी के लिए सब ग्रीन ग्रीन आउटफिट सिर्फ बाकी कुछ और के तो हेलो गाइस वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग तो आज एक्चुअली मेरी और प्रियंका की एनिवर्सरी है अभी नहीं है आधा घंटा है 12 बजे से तो उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है हम लोगों ने तो आज मेरे सारे भाई आए हुए हैं तो केक है गिफ्ट है सब कुछ है तो आप लोग व्लॉग में बने रहना सब पता लगेगा ठीक है धीरे धीरे करके अभी तक उसको रिवील नहीं करा है बहुत छुप छुपाते हुए व्लॉग कर रहे हैं हम लोग ठीक है तो जो जो होता रहेगा वो आपको पता भी लगता रहेगा मजा आने वाला है मजा आने वाला है पक्की बात है स्टे ट्यून्ड तो यहाँ बैठी है हम भाइयों की मंडली और हम लोग यहाँ पे खूब एंजॉय कर रहे हैं और अब अगर आप देखो तो प्रियंका भी यहीं बैठी है तो भाइयों ये वाला केक मंगाया है मैंने प्रियंका के लिए और बहुत स्पेशल केक है वाइट चॉकलेट अब पता नहीं खाने में कैसा लगेगा बट मंगाया ये है और अभी उसको बुलाएंगे 10 मिनट बाकी है बस उसका गिफ्ट वगैरह सब कुछ निकालना है प्रिपरेशन करनी है तो चलो फटाफट प्रिपेयर करते हैं फिर उसको बुलाते हैं नीचे मानू जाएगा ऊपर मानू ऊपर से सबको बुला के ले आएगा और पापा उठ गए हैं पापा को बुला लिया पापा आ रहे हैं यहाँ पे ठीक है मानू तू जाओ ऊपर फटाफट बुला के ले आ ओके आने वाली है प्रियंका उसका रिएक्शन नोट करेंगे हम लोग और पापा यहाँ बैठे हुए हैं भाभी को काट दिया गया है बहुत बढ़िया भाई शाबाश शाबाश ये तो आप ही खाओगे ना तुम्हारे भाई हैप्पी न्यू ईयर तोड़ दा पूरी तोड़ दा बेचारा टूट गया तो खावा 1 ईयर डाउन मैनी मोर टू मैंने खा लिया तो ये सही है एक एक काम नहीं होता तो जाओ चार दिन के लिए ऐसा किस ना भाई ये है तो बिल्कुल भैया वापस से वापस से वैसे ही जल्दी आओ बस एक बार कर दो दोबारा आओ भैया व्लॉग में आ जाओ ऐसे ऐसे निकाली अरे भूल चुकी है भूल गया ना भूल गया भाई आपका थैंक यू सारी चीजें मुझे इसीलिए वी आर नॉट प्रो व्लॉगर्स येट भाभी हाउ आर यू फीलिंग वेरी नाइस एक साल में क्या लग रहा है आपको कितने लकी हो गए आप कितने लकी हो गई मैं क्या पता कहां गया ऐसे प्यारे प्यारे भाई पाके मैं भैया की तो बात ही नहीं कर रहा अच्छा प्यारे प्यारे लगा आपको हां बहुत 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 भाभी वैसे केक देखा जब इतनी खुशी नहीं हुई भैया देखे जब इतनी खुशी नहीं हुई गिफ्ट मिलते ही इतनी खुशी हो गई आपको अरे तो वही है चेक जो करके लिया था हमने
अभी सील टूटी हुई थी, सील टूटी हुई थी ना सील, मेरा दिखाना था आपका तो गाइस ये जो अभिलाष ने मुझे सरप्राइज दिया था, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। गिफ्ट का मुझे पता था संभव कि वो क्या देने वाला है क्या नहीं, बट ये जो केक एंड एवरीथिंग का प्लानिंग था ये मुझे लिटरली इतना सा भी आइडिया नहीं था कि कुछ करने वाला है। अब सोचो आप, मैंने ऑयलिंग भी कर रखी है एक रात पहले, सो आई हैव लिटरली नो क्लू कि क्या होने वाला था, लेकिन जो भी हुआ मुझे बहुत पसंद आया उसकी हर एक गिफ्ट, हर एक जेस्चर, सब चीज़ें। गिफ्ट इतना मैटर नहीं करता जितना मैटर बाकी सब चीज़ें करती हैं। एंड मैंने अभी तक सबको ये बता रखा है कि मैं इस बार कुछ नहीं ला पाई, बट ऐसा हो नहीं सकता। सो मेरे पास भी कुछ है जो कि मैं अब उसको ऊपर जाके दूंगी, क्योंकि मैंने अभी जस्ट उसको सॉरी वॉरी बोला है कि मैं गिफ्ट नहीं ला पाई ये एंड वो। सो अभी चलते हैं ऊपर, उसको थोड़ा सरप्राइज करते हैं, देन आप लोगों को भी दिखाते हैं। दिस इज अ स्मॉल गिफ्ट। कौन? ये देखो, मैं जानता था ये बेबी नहीं आके खेल सकता। मैं बनाऊंगी। पहन लिया अब तो। कितना गंदे। पहन लिया दोनों। नहीं हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो आज है नेक्स्ट डे। कल रात को आप लोगों ने देखा कि क्या क्या हुआ, क्या क्या सरप्राइजेस मिले। अभिलाष ने जो जो भी प्लान कर रखा था हर एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई है। सो कल रात बहुत ही अच्छे से बीता एंड आज अभिलाष अभी तक सो रहा है, क्योंकि कल उसका रात को ऑफिस भी था। सो वो सब करके वो सुबह सो रहे हैं, सो उसको भी सोने देते हैं। एंड आज है छोटी बुआ की बेटी की, अभिलाष की छोटी बुआ की बेटी की शादी स्टार्ट हो गई है। सो मतलब शादी स्टार्ट किया, शादी मतलब होने वाली है, 4 तारीख को उनकी शादी है। बट आज है नानी मूक, आइब्रोबाद एंड मेहंदी। सो 3 प्रोग्राम्स है आज जो कि अटेंड करना है। सो पूरा दिन होने वाला है बहुत ज़्यादा हसल वाला। सो डोंट नो कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं। सो सुबह से उठ के मैं सबसे पहले नहा चुकी हूँ, ब्रेकफास्ट कर लिया है, पूजा कर लिया है, सब चीज़ें हो गया। अब मुझे करना है एक वीडियो शूट, सो उसको शूट कर लेते हैं, अभिलाष को तब तक सोने देते हैं। सो चलो, तो मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ। अभिलाष क्या है अभी नहाने, उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, पापा और मैं रेडी है, हम लोग बस वो आ जाए रेडी होके, जब हम लोग निकल जाएंगे। ऐसे मेरा शूट भी कंप्लीट हो गया एंड ये है मेरा आउटफिट, बाद में वेन्यू में जाके आप लोग को पूरा दिखा देंगे। सो हो गए हम लोग सब अभी रेडी और निकल रहे हैं। मैं, पापा यहाँ पे है, सनलाइट बहुत ज़्यादा, और मैं यहाँ हूँ, अरे लाइट के ऑपोजिट साइड में। तो चलो अभी निकलते हैं फटाफट। मुझे कहता है कल्लू, अब आप लोग बताओ कौन है कल्लू। मैं इसे दो शेड बोल रहा हूँ, जोर से बोलो, जोर से ही तो बोले, दो शेड की आवाज आती है ना। आप लोग ही बताना कमेंट करके कौन गोरा है। ये मत देखो, ये तो फैब्रिकेटेड है, मत देखो कुछ फैब्रिकेटेड है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं एंड ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, 2:44 हो चुका है एंड बार बार सबका कॉल आ रहा था। नानी मुख ऑलरेडी हो चुका है, मुझे नहीं पता अंदर जाके पता चलेगा आईब्रो भात जो है वो हुआ है अभी तक या अभी भी बाकी है। सो पहुंच गए अभी, चलो फटाफट से चलते हैं अंदर एंड फिर आप लोगों को दिखाती हूँ सब चीज़ें। प्रोग्राम यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। पिशी क्या बोला, अरे तो ब्लॉग, अरे जिनकी शादी है बेसिकली। और ये है अपनी पूरी गैंग। हैप्पी मैरिज। बुआ ने मुझे चॉकलेट दिया एनिवर्सरी।
यहाँ पे काकू काकी कर रहे हैं भैया को आशीर्वाद। अब पापा कर रहे हैं आशीर्वाद। यहाँ पे खाना लग चुका है, अब सब लोग खाना खाना स्टार्ट। चलो हम लोग भी खा लेते हैं फटाफट से अभी, एंड फिर बाकी का दिखाती हूँ आप लोगों, क्योंकि अभी मेहंदी भी बाकी है, बहुत सारी चीज़ें बाकी है। क्या मन अच्छा खबर यहाँ पे लंच करना हम लोगों को हो चुका है। बहुत ही अच्छा बना था, एक एक चीज़ बहुत अच्छा था। प्रॉन्स था, मटन था, फिश था, बाकी वेज के बहुत सारे आइटम्स थे, लेकिन मैंने खाया प्रॉन्स। मैंने मटन नहीं खाया, फिश नहीं खाया, प्रॉन खाया, बहुत ही टेस्टी था। एंड तुमने खाया था मटन? मटन कैसा था? अच्छा था, सब चीज़ें अच्छी थी, बहुत अच्छा था सब कुछ। सो अब हम लोग वेट कर रहे हैं, एंड मेहंदी अभी स्टार्ट होगा, एक दो घंटे में स्टार्ट हो जाएगा मेहंदी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट करने, हम लोग के लिए रूम बुक है यहाँ पे ऑलरेडी, जहाँ पे हम लोग गेस्ट हाउस क्लब हाउस पर। तो यहाँ पे जाएंगे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे, एंड फिर जब मेहंदी लगाने के लिए जो जिनको बुक किया है वो जब आ जाएंगे तब हम लोग वापस आ जाएंगे। एंड मैं सोच रही हूँ चेंज करूँ या ना करूँ, लेकिन कर ही लूँगी, उसमें कम्फर्टेबल रहूँगी क्योंकि वो सूट है। अब कुछ बोलना है, कैसा लगा आज का लंच? एवरीथिंग बहुत अच्छा था, नींद आ रही है। यस, बताओ एक साल हो गया, पता चला तुम्हें? देखते देखते हंसते खेलते हम लोग एक साल निकल गए। हम लोग मैं बोल चुका कल, तो चलिए ओ ब्लॉग के देख भी देखो ध्यान रखो, कुछ तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल दीदा, कोई इधर से नेचुरल लाइट का तो भालो फोटो आ रहा है, वीडियो आ रहा है। पीछे कोई इधर, पीछे इधर, पीछे तुम्हारे डांस की लो। अच्छा बोधी नहीं, हमारा बॉट का। तो हम सब अभी रेडी हो चुके हैं, जा रहे हैं अभी मेहंदी के लिए, सब ग्रीन ग्रीन आउटफिट में, सिर्फ काकी को छोड़ के, काकी और मेरे पति को छोड़ के। तो चलो अभी चलते हैं। तो यहाँ पे मेरे एक हाथ में ऑलरेडी मेहंदी लग चुकी है, एंड अभी लग रही है दूसरे हाथ में मेहंदी। सो मैंने बेसिकली एक हाथ को पूरा भर के लगवाया था, एंड दूसरे हाथ में थोड़ा हल्का फुल्का। एंड बुआ, काकी, भाभी सब ने मेहंदी लगाया था। अब होगा डांस का प्रोग्राम स्टार्ट। ऑलमोस्ट सबके हाथों में लग चुके हैं, मैंने इस हाथ में कम लगाया है, बट मेरे इस हाथ में मैंने पूरा भर के लगाया है आगे पीछे। बट मेहंदी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, टीचर का सेटअप ये है मेहंदी का, भी मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से अच्छे से। एंड अभी हो रहा है डांस वांस, आई थिंक इन लोगों ने कुछ स्पेशल डांस परफॉर्मेंस रखा है, तो वो अभी देखती हूँ। बाकी मुझे पता है कुछ सुनाई नहीं देगा।
सो गाइस ये था पूरा मेहंदी का सेटअप, अच्छे से ले नहीं पाए क्योंकि कोई ना कोई भाभी पिक्स क्लिक करवा रहा था, तो इसीलिए एंड यहाँ पे पापा दादू पीछे लाइक फूफा जी सब लोग बैठे हुए थे, पीछे जो लोग लेट आए थे वो लोग मेहंदी लगा रहे थे, डांस परफॉर्मेंस चल रहा था एंड बहुत ही मजा आया। एंड इन लोगों के डांस परफॉर्मेंस के लिए जो स्पेशल डांस परफॉर्मेंस है भैया के लिए, इन लोगों ने इनके भाई बहन ने सारे कजन मिल के रखा था, उसके लिए हम सब अभी वेट कर रहे थे एंड बैकग्राउंड में बहुत गानों की आवाज़ आ रही थी। देखो अंदर अलग पार्टी चल रही है, हम लोग यहाँ पे अलग से वो चल रही है। दादा कैजुअल है ऐसे पूरो। ये देखो अभिलाष की डांस देखो। तो अभी नाच गाना सब चीजें हो गए, अभी करते हैं डिनर सब लोग, तो चलिए स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड। चिली चिकन विद राधा को मिले। हम लोगों का डिनर विनर सब चीजें हो चुका है, अब हम लोग लास्ट यहाँ पे पूरा हॉल खाली है, बस जिनकी शादी है वो है एंड हम लोग हैं, तो अभी हम लोग फाइनली निकल रहे हैं। तो यहाँ पे निकल गए हम लोग, जो जो लास्ट में बचे थे बुआ लोग और हम, तो आ गए फाइनली घर एंड अभी बज रहा है 10:30। जल्दी आ गया क्योंकि कल ना बुआ लोगों का ट्रेन है, मतलब एक बैच जाएगा कल जबलपुर के लिए निकल रहे हैं, स्पेशली जिसमें दूल्हा है मतलब राजा भैया है और बुआ लोग है और मतलब बड़ी बुआ छोटी बुआ सब लोग कल जा रहे हैं एंड परसों यानी कि 3 को हम लोग जाएंगे काम करने वाले हैं। सो एनीवेज आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो, कल से लेके कल रात से लेके अभी तक का कंटिन्यू चल रहा है ब्लॉग एंड कैसा लगा है कैसा नहीं प्लीज कमेंट करके जरूर बताना एंड यस अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन क्लिक कर देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। एंड टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए एंड यस बाय बाय।